नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मोंटिमो एलसी सिरप के बारे में। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ये एक बच्चों का सिरप है और जो केवल बच्चों के लिए ही काम आता है। ये मोंटिमो एलसी इसका नाम है। आज हम आपको बताएंगे कि इसे किस कंपनी ने बनाया है, इसका साल्ट क्या है, इसकी MRP क्या है, इसकी डोज क्या है और इसको किन किन बीमारियों में दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज हम आपको इस सिरप की फुल इन्फॉर्मेशन विस्तार से देंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। जब आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने का, और उससे हमारा वीडियो YouTube भी हमें सपोर्ट करता है वीडियो को हमारे को दिखाने में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आप किस मेडिसिन का वीडियो देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं आज इस सिरप की जिसका नाम है मोंटिमो एलसी सिरप। दोस्तों ये जो सिरप है इसके अंदर जो साल्ट है वो आता है ये लिवोसिट्राजिन डिहाइड्रोक्लोराइड मोंटिलुकास्ट। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो इसका कंपोजिशन होता है ये कि इसके अंदर मोंटिलुकास्ट सोडियम आता है 4 mg और लिवोसिट्राजिन आता है 2.5 mg। दोस्तों इसके अंदर इस सिरप निकलता है ये 60 ml का सिरप आता है ये, और दोस्तों ये ऐसा निकलता है। बात करते हैं इसके कंपनी की, तो ये बनाया हुआ है डॉक्टर मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड का। डॉक्टर मोरपेन की बहुत बड़ी रेंज आती है, बहुत सारे आइटम आते हैं और इसके जो प्रोडक्ट हैं उनमें दम भी होता है दोस्तों। तो इसकी जो MRP है वो 142 रुपये है, 142 रुपीज़ का ये पर सिरप पड़ता है। ये बना हुआ है दिसंबर 2023 में, जनवरी 2022 तक ये चलेगा। तो दोस्तों ये जो सिरप है ये, और बात करते हैं इसके काम की, तो ये बच्चों के लिए खांसी जुकाम और बच्चों के गले में खराश हो जाती है उसमें काम करता है। दोस्तों ये जो इसके अंदर साल्ट है मोंटिलुकास्ट ये स्पेशली खांसी जुकाम का है, और जो लिवोसिट्राजिन है ये एंटी एलर्जिक है, ये खांसी जुकाम में तो काम करता ही है, साथ में अगर बच्चे के खुजली है, दाद है, इन्फेक्शन है उसमें भी ये काम करता है। इसकी बड़ों के लिए भी टैबलेट आती है मोंटिलुकास्ट, लिवोसिट्राजिन खांसी में काम करती है वो टैबलेट आती है, और लिवोसिट्राजिन अलग से बड़े भी दाद खुजली इन्फेक्शन में इसको लेते हैं, चिकित्सक इसको चलाते हैं। दोस्तों अब दोस्तों बात, जैसे हमने बताया कि बच्चों की खुजली इन्फेक्शन खांसी जुकाम गले में खराश में काम आता है, तो जैसे कि आप चिकित्सक के पास गए तो चिकित्सक को आपने बताया गले में खराश है तब भी दे सकते हैं, जुकाम बताया तब भी दे सकते हैं, खांसी बताने पर भी दे सकते हैं, या बच्चे के फुंसी हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, फोड़ा हो रहा है तब भी दे सकते हैं। तो आप इस चीज़ में ना पड़ें कि दूसरे डॉक्टर ने इसे गले की खराश के लिए दिया, किसी और ने खांसी के लिए दिया और आप कहीं और गए तो उन्होंने खुजली के लिए दिया। तो एक ही दवाई के बहुत सारे काम होते हैं, तो हर चिकित्सक अपने हिसाब से अलग अलग बीमारियों में इसको दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कि आपको इसकी डोज कितनी देनी है। तो डोज दोस्तों चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करती है कि बच्चा आपका कितना बड़ा है, उसकी एज कितनी है। तो चिकित्सक देखते हैं कि बच्चा कितना बड़ा है, उसका वेट कितना है और उसको प्रॉब्लम कितनी है, उस हिसाब से वो आपको डोज बताते हैं कि आपको 1.5 ml देना है, 2 ml देना है, या 2.5 ml या 5 ml। तो वो चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज़ करो जैसे कोई बच्चा 5 साल का है तो उसको वो चिकित्सक 5-5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, लेकिन हर चिकित्सक अपने हिसाब से डोज ऊपर नीचे कर सकता है। तो आप जो इसका इस्तेमाल है वो चिकित्सक की देखरेख में ही करें। हम जो वीडियो बनाते हैं वो केवल इसलिए बनाते हैं जिससे कि आप अगर YouTube पर इस मतलब किसी भी मेडिसिन के बारे में खोजें तो आपको पता चल जाए कि ये इस काम में आता है। जैसे कि आपके पास मेडिसिन रखी हुई है पहली, आपको पता लगाना चाहते हैं कि ये किस सिरप किस काम में आता है, तो आपको पता चल जाए कि ये खांसी जुकाम या एलर्जी में काम आता है। या फिर अभी आप चिकित्सक के यहाँ से दवाई लेकर आए हैं, मेडिसिन लेकर आए हैं और आपको नहीं पता कि ये कितनी बार देनी है और इसका काम क्या है, ये किस काम में आने वाली है, तो आपको पता चल जाए। दोस्तों तो आप चिकित्सक के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं।
और आगे आप किस मेडिसिन का वीडियो देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।